अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज द सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू। देखो अब खासकर वो बच्चे जिनका एग्जाम है, बहुत कम समय आप लोगों के पास रह गया है। और अगर मैं बात करूं तो दो दुखती दर्द सबसे ज्यादा जो आप लोगों के पास होती है वो क्या है, मैक्सिमम बच्चे दो ही पेपर के अंदर परेशान होते हुए दिखते हैं, एक ऑडिट और एक EISSM। क्यों? क्योंकि दोनों ही थ्योरी के पेपर्स हैं। देखिए हर बच्चे का एक अपना लेवल होता है, कुछ बच्चे इसमें 80 नंबर भी ले आते हैं, कुछ 60 भी ले आते हैं, कुछ 40 के लिए भी रोता है। बट अगर मैं बात करूं तो पूरे सीए इंटरमीडिएट के अंदर ये दो पेपर ऐसे हैं जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 10 में से 7 बच्चे जो है रह जाते हैं। ये पेपर निकालना जनरली बच्चों के लिए टफ टास्क हो जाता है। टफ टास्क क्यों हो जाता है, सबसे पहले इसलिए समझिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है। समझ में सब कुछ आता है, किसी से भी पढ़ लेंगे आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, ओके है, ऐसे है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, एक्सप्रेस करने में। एग्ज़ाम जो है वो ओरल टेस्ट नहीं होने वाला, वहाँ पर जो है पेपर ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको राइटिंग में लिख के आना है और जो आप लिख के आएंगे उसके बेसिस पर आपके मार्क्स जो है वो डिसाइड होने वाले हैं। तो आपको वहाँ पर एक्सप्रेस करने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऑडिट EISSM के पेपर में। और लिख के क्या आना है उसके लिए आपको याद करना पड़ता है। और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि समझ में सब कुछ आ गया, लिख के कैसे, हमको ये समझ में नहीं आता, वो हमें याद करना पड़ेगा। और याद करना अपने बस की उतना ही बात नहीं है क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। मेरे पास एक बड़ी कॉमन क्वेरी आती है इसके लिए, क्या परफेक्ट रिविजन बुक सफिशियंट रहेगी। इन सब पर मैं सभी बातें करूँगा। देखिए एक चीज़ को समझिए, मैं बार बार इस चीज़ को चिल्ला चिल्ला के बड़ी महफिल के अंदर गाता हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, ICI मटेरियल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉइंट यह है कि इतना ज़्यादा कंटेंट है कि कहाँ से करें, ये बच्चों का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। और खासकर ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रुप टू को सब्सिडरी रखा हुआ था या उतना ध्यान इन दो पेपर्स के ऊपर नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ 10 में से 7 बच्चे 8 बच्चे इस पेपर के अंदर फेल होते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, 40 लाने वहां पे। क्यों? क्योंकि समझ सब कुछ आ रहा है, याद नहीं कर रहे हो। याद नहीं करोगे तो एक्सप्रेस करके नहीं आ पाओगे और इस वजह से जो है सारा का सारा प्रॉब्लम जो है हमारा आना शुरू हो जाता है। तो क्या करें सर? देखिए मैं यहां पर आपको एक सबसे बड़ी जो एडवाइस देना चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन से नोट्स पढ़ रहे हैं, उन सबको सेकेंडरी कर दीजिए। देखिए आपको इस समय यह समझ में आना चाहिए कि ICA में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ICA में हमें एक्सप्रेस किस तरीके से करके आना है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस रहेगी वो है RTP, कि आप जो है एटलीस्ट 5 अटेम्प्ट के RTP जरूर देखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन क्या आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, उसका आंसर मुझे किस तरीके से एक्सप्रेस करके आना है, क्योंकि वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब सर एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, समझ में आ गया, उसके अंदर ये लिख के आना है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इस समय ये कहना कि पास्ट स्कैनर कर लो 10 सालों के 15 सालों के, खासकर जिनके मई में एग्जाम है, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है। ICA कहना जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाती है। और जनरली ऐसे पेपर होते हैं ये दोनों कि बच्चे से साइड रख के चलते कि एंड में देख लेंगे और एंड में समझ में आ जाता है कि एंड जो होगा ना वो इसी पेपर से होगा, मतलब हमारा जो इतनी अच्छी खासी मेहनत चल रही थी दो पेपर और मिलकर सत्यानाश कर देंगे। तो हमको क्या करना है, जो RTP है ना वो 5 अटेम्प्ट का बहुत अच्छे से जो है एटलीस्ट देखना है कि क्वेश्चन क्या आएगा, उसका आंसर किस तरीके से लिख के आना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी MCQ बुकलेट है, आपको पता है MCQ बुकलेट जो ICI इशू करता है उसके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि देखिए वो फ्री के मार्क्स है। आप इस चीज़ को समझिए, 30 नंबर के आपके पास MCQ आते हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो 30 में से आप 25 नंबर 26 नंबर इवन 30 out of 30 भी ला सकते हैं। 30 out of 30 तो खैर नहीं आते प्रैक्टिकली क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग घुमा हुआ होता है, बट यस 24-25 नंबर लाना इज नॉट द बिग डील अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये दो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और परफेक्ट रिवीजन बुक उनके लिए बहुत यहाँ पर काम की चीज़ साबित हो सकती है। काफ़ी बच्चों ने जो इसको रेफर कर रहे हैं उनको समझ में भी आ रहा होगा कि अगर आप परफेक्ट रिवीजन बुक जो है इसमें जो बहुत सस्ती बुक है घर तक आपके कुरियर के थ्रू पहुँचाई जाती है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें है क्या, अगर आप इसका जो कंटेंट है ना, जो छोटे छोटे नोट्स दिए हुए जैसे ऑडिट 50 से 60 पेजेस में, EISSM 50 से 60 पेजेस में, तो वो अगर आप एटलीस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि चारों सब्जेक्ट्स की आती है, एडवांस अकाउंट्स की भी आपके पास, ऑडिट की भी है, EISSM की भी है और FMECO की भी है। तो अगर आप सिर्फ मैं कहूँ कुछ ना करके ये वाला जो कंटेंट है इसके अंदर सिर्फ उतना कंटेंट आप अच्छे से
लर्न कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास देता हूँ कि इतना कंटेंट करने से आप आराम से, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपके 100 में से 100 आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, क्योंकि बहुत कंसाइज करके रिसर्च करके आपको एक नोट्स दिए गए हैं, तो आपको 50 नंबर लाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आप यहाँ से भी परफेक्ट रिवीजन बुक से ऑडिट और EISSM को कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि इस बुक को पढ़ने का तरीका है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, एक दिन भी कभी ब्रेक नहीं देके रखना, रेगुलर जो है आपको इसके टच के अंदर रहना है।